सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शख्सियत। इस प्रोग्राम में हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के साथ साथ समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाले विभूतियों के बारे में दिखाएंगे। हम ऐसे व्यक्तित्वों का इस प्रोग्राम में साक्षात्कार करेंगे जिनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के युवा अपनी ज़िंदगी में भी कुछ कर सकें। शख्सियत प्रोग्राम व्यक्तिगत उपलब्धियों पर आधारित प्रोग्राम होगा और इसमें कोशिश की जाएगी कि ऐसे लोगों का ही साक्षात्कार किया जाए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हमें अपने दर्शकों से अपेक्षा है कि वे हमें बताएं कि किस तरह के लोगों का इसमें और साक्षात्कार किया जा सके जिससे इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और सराहनीय बनाया जा सके। हमारी दर्शकों से अपेक्षा है कि वे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर बताएं कि ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा और वो किस तरह की शख्सियत इस प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं। ये कहानी एक आदिवासी मसीहा और भारतीय ट्राइबल पार्टी के संरक्षक छोटू भाई वसावा की है। छोटू भाई वसावा प्रकृति की उपासना करने वाले आदिवासी नेता हैं। छोटू भाई वसावा पूरे आदिवासी समाज में मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। छोटू भाई वसावा के क्षेत्र भरूच गुजरात में जाने का मौका मिला। इस मौके पर उनके खेत खलियान, जंगल, फार्म हाउस और समर्थकों से मिलने का भी मौका मिला और छोटू भाई वसावा से भी अंत में एक साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से एक आदिवासी नेता प्रकृति में स्थापित जल, जंगल, ज़मीन और आदिवासी अस्मिता के लिए दिन रात एक किए हुए है और प्रकृति को संरक्षित करने और आदिवासियों के सम्मान और उनके जायज़ हकों को दिलाने के लिए छोटू भाई वसावा जैसा नेता पूरी तरह से तन मन धन से सक्रिय है। इसी वजह से अन्य राजनीतिक दल भी छोटू भाई वसावा और उनके पुत्र महेश भाई वसावा सहित भारतीय ट्राइबल पार्टी और उसके समर्थकों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। लेकिन छोटू भाई वसावा के हौसलों को देखते हुए नहीं लगता कि वे किसी भी तरह से इन राजनीतिक दलों से कमतर साबित होंगे और पूरी तरह से आदिवासी समाज और कुदरत की रक्षा के लिए वे कमर कस चुके हैं। इस फिल्म के माध्यम से हम जल, जंगल, ज़मीन और छोटू भाई की राजनीतिक विरासत और राजनीति के बारे में भी लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। एकदम पूरा साफ जैसे किसी आर्टिस्ट ने जो है आर्टिस्ट जो है बना दिया पूरा आर्टिस्ट ने जो है देख क्या बोलते हैं मोर बोलता अच्छा मोर मोर हां
चंदन का पेड़ है। चंदन तो बहुत मशहूर चीज़ है, चंदन बहुत ही जो है मोस्टली ये जितने सब चंदन 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 ही लगा 1000 पेड़ है क्या? नहीं, 1,00,000 पेड़ है चंदन के। चंदन तो बोलना है सफाई करने का। चित्रकूट में, तो इसका फूल आता है, फल आता है चंदन के लकड़ी के जो नकली चंदन का। पानी वहाँ से आता है नहर से जी, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है वहाँ पाइप लाइन लेकर आए तो पानी की दिखता है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इसराइल ने अच्छी टेक्नोलॉजी दी है। सब चंदन है आप प्रकृति के बहुत करीब हैं। वो उस गति से दौड़ रहा है कि नहीं, ये एक सवाल। हाँ, बहुत दौड़ता है। खाद डालने के बाद यहाँ तेंदू पत्ता भी होता है कि नहीं? जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा के लिए रात दिन एक करने वाले आदिवासी नेता छोटू भाई वसावा अपने जंगलों और खेतों की खुद देखभाल करते हैं और आने वाले मेहमानों को भी घूम घूम कर अपने खेतों, जंगलों और बागों के दर्शन कराते हैं और उनको बताते हैं कि किस मुस्तैदी के साथ वे इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि प्रकृति को मजबूती के साथ, सक्षमता के साथ प्रकृति के वास्तविक रूप को बरकरार रखा जा सके। ये छोटू भाई वसावा का केले का बाग है जहाँ पूरे कई किलोमीटर में केले के खेती होती है और इसका एक विहंगम दृश्य आप लोगों को दिखा रहे हैं। छोटू भाई के पास हजारों मजदूर आते हैं इधर गांव से, सबको रोजी रोटी देता है, हम सब मजदूर लोग को खिलाता है। छोटू भाई वसावा उन लोगों के लिए सब खाना बना के लिए सुविधा करता है। मजदूर एक दिन में आता है वो भी खाना खिलाते हैं, रात में आता है वो भी बना के खिलाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। सब खेती की ध्यान रह रहा है, उसकी ज़मीन की जो गन्ने बनने की पानी बाने जो सुविधा रहते हैं वो कर रहा है। इधर सब मजदूर को रोजी रोटी देता है छोटू भाई वसावा, हजारों मजदूर आता है इधर, अच्छा अच्छा खिलाता है, खाना भी खिलाता है उन लोगों को, पैसा भी देता है, कुछ काम होगा अभी कर देता है। किसी को कोई गरीब आदमी होगा, आदिवासी गरीब आदमी होगा, उसकी सब मेहनत से कर देता है वो के देता है। किसी का कोई मजबूरी का काम होगा वो भी देता है। हम भी वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ वो जिसे भी चला रहे हैं किशोर भाई के वहाँ। हम हमारा नाम खोरीदास खोरा खोरा बुआ खोरा।
इस वक्त हम झगड़िया के विधायक और भारतीय ट्राइबल पार्टी के संरक्षक छोटू भाई वसावा के वांडावेड़ा स्थित फार्म हाउस के बाहर खड़े हैं। यहाँ से जहाँ भी निगाह जाती है उसके बाएं और दाएं ओर जितने भी खेत और जंगल हैं सब छोटू भाई वसावा के ही हैं। इन खेत और जंगलों की खासियत ये है कि यहाँ गेहूँ, मीठा नीम, जामुन, आम, सागवान और चंदन के पेड़ लगे हैं। ये बेशकीमती वृक्षों को छोटू भाई वसावा अपने खेत और जंगलों में ही नहीं लगाते हैं बल्कि आस पड़ोस में रहने वाले आदिवासी भाइयों और अपने मित्र रिश्तेदारों को भी भेंट स्वरूप देते हैं। छोटू भाई वसावा के व्यक्तित्व की सबसे ख़ास बात ये है कि वे दूसरे धनाढ्य लोगों की तरह सिर्फ अपने आप को धन संपदा में मजबूत करने में विश्वास नहीं रखते बल्कि अपने मित्र, सहयोगी, रिश्तेदारों और गांववासी लोगों के उत्थान के लिए भी आर्थिक और हर तरह की सहायता प्रदान करते हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं छोटू भाई वसावा के फार्म हाउस में। गुजरात में पंचायत और ज़िला पंचायत के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। आज भरूच ज़िले में पूरी तरह से प्रचार थम गया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को तगड़ी चुनौती देने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP के समर्थक पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि छोटू भाई वसावा की मेहनत रंग लाएगी और इस बार स्थानीय निकाय के चुनावों में BTP भाजपा कांग्रेस पर भारी पड़ेगी। हमारे साथ BTP के कुछ समर्थक हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि कितनी संभावनाएं हैं BTP के जीतने की? पूरे पूरी संभावना है कि BTP यहाँ बहुमती से जीत सकती है। छोटू भाई वसावा और उनके समर्थक ऐसा क्या कर रहे हैं कि भारतीय ट्राइबल पार्टी को लोग वोट दें? छोटू भाई वसावा वर्ष 7 साल से विधानसभा में इलेक्शन जीत रहा है, अभी भी आदिवासियों का कल्याण काम के लिए कहाँ भी कुछ भी काम हो तो छोटू भाई वसावा दादा साहब पहुंच जाता है और आदिवासियों का मसीहा है और आदिवासियों का कल्याण के लिए सब कुछ करता है। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार है और कांग्रेस भी जो है छोटू भाई वसावा की रणनीति के ख़िलाफ़ है, ऐसे में दो बड़ी ताकतों से आप लोग कैसे निपटोगे? छोटू भाई वसावा बरसों से 7 साल से विधानसभा में धारा सभ्य है। जब से छोटू भाई वसावा इलेक्शन में लड़ रहा है तब से तालुका और जिला में बहुमती से सरकार पंचायतों में सरकार बना सकते हैं और छोटू भाई वसावा इधर तो झगड़िया तो ठीक, वालिया ठीक, पर राजस्थान में भी उसको खाता खोल दिया और सारे में सारी सीट जिला में पंचायत के चुनाव में बहुमती लाया है।
लोग ये कहते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? भारतीय ट्राइबल पार्टी ऐसी मजबूत है कि आखे गुजरात में वो ट्राइबल विस्तार है, जहाँ जहाँ ट्राइबल है वहाँ वहाँ सब छोटू भाई वसावा ने खाता खोल दिया है और धीरे धीरे वो भाजपा और कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देगी। छोटू भाई वसावा के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी हाथ मिलाया है, इसका क्या असर होगा? छोटू भाई वसावा ने ओबीसी को हाथ मिलाया है तो अभी सिटी में भी छोटू भाई वसावा का बहुत ज़्यादा खाता खुल जाएगा और आगे आगे की रणनीति में छोटू भाई वसावा और वो ओबीसी बहुत आगे बढ़ जाएगी और भाजपा कांग्रेस सिटी में भी धीरे धीरे साफ हो जाएगी। सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत, आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले छोटू भाई वसावा हैं। छोटू भाई वसावा NH-8 पर स्थित भरूच लोकसभा के अंतर्गत आने वाले झगड़िया विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। छोटू भाई वसावा की लोकप्रियता का ये आलम है कि गुजरात सहित देश के सभी आदिवासी राज्यों में इनका एक छत्र राज है। सारे देश के आदिवासी इनको अपना रहनुमा और मसीहा मानते हैं। छोटू भाई वसावा अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति तेज कर चुके हैं। इसके लिए अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं को एकजुट कर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टियों को शिकस्त देने की रणनीति बना चुके हैं। इस रणनीति के तहत वे पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों की नाक में दम किए हुए हैं और उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। तो आइए मिलते हैं छोटू भाई वसावा साहब से और जानते हैं कि वे किस तरह से अपनी पार्टी और आदिवासी समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, दलित, पिछड़े और कमज़ोर लोगों के लिए कार्य करेंगे। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपकी क्या रणनीति है कि जो संविधान में 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों को अधिकार दिए गए हैं वे पूरे आदिवासी समाज को ईमानदारी से मिल सके, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए तो उसको जो कांग्रेस और बीजेपी जिम्मेवार है उसको सत्ता से दूर करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। सालों से अंग्रेज जाने के बाद वही लोग राज कर रहे हैं भारत में, उन्होंने नहीं इम्प्लीमेंट किया है। इसलिए सबको मैं बोलता हूँ, सारी जो जातियाँ हैं अभी पिछड़ी जातियाँ हैं सब, SC ST OBC माइनॉरिटी सब इकट्ठा हो जाकर हमारा ज़्यादा वोट है उसका इस्तेमाल करो उसको निकालने में, तो हमारा राज बन जाएगा देश में। तो सब संविधान की जो बात कर रहे हैं हम लोग, जो 5वीं अनुसूची है, 6 अनुसूची है, वो सब उसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 75 साल से देश में शासन किया, क्या वजह रही कि अभी तक जो है आदिवासी SC ST OBC माइनॉरिटीज को उनके अधिकार नहीं मिल पाए? इसलिए नहीं मिल पाए हैं कि वो जो सारा समाज हमारा है इसमें से कोई लीडरशिप नहीं होने दी उन लोगों ने, अभी तक कोई लीडर नहीं बनने दिया, इसलिए वो समस्या खड़ी हुई है ना देश में। क्योंकि वो दोनों पार्टी ब्राह्मणवादी पार्टी है, ब्राह्मणों का राज चला है, लीडरशिप उसके पास रही है, हमारे पास आई नहीं है, इसलिए वो समस्या देश में खड़ी हुई है हमारे लिए। तो दूर करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और उसको मत से हटाना पड़ेगा उसको। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपके और असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मिलाने से खासी परेशान हैं, आप लोगों को इन लोगों से निपटने के लिए अब भविष्य में किस तरह की रणनीति अपनाएंगे? बस हम साथ में मिलकर जहाँ जहाँ हमारी आबादी है
पूरे ऐसे तो पूरे देश में हमारी आबादी है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, कोई जगह भारत में खाली नहीं है। सब जगह पर जाके हमारा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हम जीतेंगे तो हमारा राज बनेगा, ऐसी बात हमारे लोगों को समझाएंगे और हम आगे चलेंगे। वसावा साहब, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समुदाय के नेता हैं, उनको आप किस तरह से जो है कन्विंस करेंगे या उस समाज को कैसे कहेंगे कि आपके साथ ही आए? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ जो इस समुदाय के नेता हैं उनको वोट ना दें। वो अभी सब जो लीडर है उसके साथ गए हैं, वो सब उसके गुलाम बन गए हैं ना, बीजेपी कांग्रेस के जो ब्राह्मीन वादी पार्टियों है उसके गुलाम है, उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे और हम सफल भी होंगे इसमें और हमारे साथ आ भी जाएंगे लोग, जब समझ में आएगा उसको कि भाई वो लोग तो हमारा यूज़ कर रहे हैं, तो वो समझेगा और हमारे साथ आएगा। तो हमारा जो कोई समस्या है बड़ी देश में सब जातियों की, वो हल हो जाएगी। अच्छा, राजनीति में लोग ये कहते हैं कि छोटू भाई वसावा किसी को जबान देते हैं तो पूरा करते हैं, जैसे कि आपने राज्यसभा चुनाव के दौरान स्वर्गीय अहमद पटेल को वोट दिया था, उसके बाद अमित शाह और मोदी जी आपके दुश्मन भी हो गए, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और अपने समाज को कैसे कहेंगे कि इस तरह के नेता के साथ ही पीछे आए? ऐसे तो अहमद भाई कांग्रेस में थे, आज तो नहीं है, लेकिन मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, अहमद भाई को वोट दिया था, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी तो जैसे बीजेपी की है, भारत में बीजेपी का जन्म किया है कांग्रेस ने किया है, इसलिए वो दोनों हमारे पीछे पड़े हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गुजरात से गए हैं, उसको तो कोई लगाव है ही नहीं, वो तो भागलावादी लोग हैं, डिवाइड करे, राज करो, अत्याचार करो, वही उसकी लाइन है, वो हमको पसंद नहीं है, इसलिए हमारे पीछे पड़े हैं, लेकिन हम भी उसको डाउन करने के लिए हमारा जो गठबंधन अभी हुआ है उसके द्वारा हम उसको परास्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता असंवैधानिक कार्य करने में भी माहिर हैं, अमित शाह जो है हमेशा अपने विरोधियों को दबाने की रणनीति अपनाते हैं और झूठे मुकदमे भी लगाते हैं, सरकार का मशीनरी का मिसयूज़ करते हैं, अगर आप और असदुद्दीन ओवैसी जैसों के खिलाफ इस तरह का प्रयास किया गया तो आप कैसे निपटेंगे? बस अभी मेरे पे तो चल रहा है ना मुकदमा, उन लोगों ने किया है ना, जो अभी चल रहा है कोर्ट में, मैं इससे डरता नहीं हूँ ना, अभी भी करेगा फिर भी हम लड़ेंगे उसके सामने। और 2002 में जो गुजरात में दंगा करवाया वो तो इतने परेशान कर दिए है लोगों को कि जिसका जवाब नहीं है, हमारे सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कैसे उसको झगड़ा करवाया और शासन व्यवस्था में आए हैं। अभी वो उसका इनाम देकर आरएसएस वाले ने ले गए दिल्ली में, उसको वहाँ भी फेल होने वाले हैं। अच्छा वसावा साहब, 2002 के दंगे में आरोपित थे अमित शाह, वो आज गृह मंत्री बने हैं, सीबीआई ने हाई कोर्ट से जब उनको जो है सजा माफ़ी हुई तो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सीबीआई को अपील तो करना चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, वो तो मिली हुई है ना, सीबीआई तो उसकी है ना, आरएसएस की है ना, आरएसएस से चल रहे हैं ना, इसलिए कैसे जाएंगे वो कोर्ट में, नहीं जाएंगे ना। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अभी एक 7 बार के सांसद नगर हवेली के मोहन डेलकर साहब ने जो है उनकी हत्या हुई कि आत्महत्या हुई, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, सरकार तो ये कहती है कि आत्महत्या हुई, आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पूर्व एक सांसद की जो है वर्तमान सांसद की जो है मृत्यु होती है और उसकी जांच भी जो है सरकार नहीं करती, जबकि उन्होंने आरोप लगाया है, संसद में भी मांग की थी कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था की जाए,
तो एक आदिवासी नेता की सुरक्षा की मांग करने के बाद भी सरकार सुरक्षा नहीं देती और स्थानीय प्रशासन उसकी मदद नहीं करता है, एक तरह से उनको विकास कार्य नहीं करने देता है, इस मुद्दे को आप कैसे ले जाएंगे? सुरक्षा इसलिए नहीं दिया है कि उसका मर्डर करवाना था, उन लोगों ने दबाना था। वो आदिवासी समाज का लीडर था, सांसद था, मामूली आदमी तो नहीं था ना, उसका उसका जांच बिठाना चाहिए और हकीकत बाहर लाना चाहिए। वो नहीं लाते, खुद ही सरकार इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए। तो इस मुद्दे को जो है आदिवासी नेता होने के नाते आप जो है उठाएंगे किसी न्यायिक मंच पे या सार्वजनिक स्थल पे? जरूर उठाएंगे, मंच भी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे कि हमारा इतना बड़ा लीडर, वो जो सांसद मामूली आदमी तो था नहीं, उसका जांच करना चाहिए, क्यों नहीं किया अभी तक? अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व होती है तब वो होता है ना, नहीं करने का काम। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार को बेदखल करने के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी रात दिन एक किए हुए है। गुजरात विधानसभा में आपके मेन मुद्दे क्या होंगे, किस तरह से जो है मुक्ति दिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से? अरे भाई देखो ना, हमारा तो समस्या इतना बढ़ा दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो गिने जाओ तो गिनने की भी मुश्किल हो जाएगी, इतनी समस्या इस राज्य में बढ़ा दी है। उसको हम ओवैसी साहब, दूसरे कोई लोग आएंगे छोटे, उसको साथ में मिलकर उसका हम सामना करेंगे और सरकार को यहाँ से हम हटाएंगे। अच्छा, अभी ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, आज जो है उसका ख़त्म भी हो गया प्रचार, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपका वो वैसी साहब का गठबंधन है वो कैसा प्रदर्शन करेगा? निकलेगा, अच्छी तरह से निकलेगा, यहाँ हमारा ही होगा। अहमदाबाद में जीते हैं, अहमदाबाद में जीते हैं, अभी 7 सीट आई है, एंट्री तो हो गया है, तो पूरे ट्राइबल में एंट्री होने वाला है हमारा। अच्छा, आप जैसा ट्राइबल नेता ओवैसी साहब के साथ आ गया है और दूसरे समाज के नेता आएंगे, जैसा कि आपने अभी कहा कि पूरे देश में इन समाजों का हर जगह वोट है, तो अगर ये एकजुट हो जाए तो बहुत आसानी से जो है बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ा जा सकता है। बिल्कुल, तो इसके लिए निकट भविष्य में क्या योजना है आप? वही योजना मैंने बताई, वो इकट्ठे होने का और उसके विरुद्ध में जाने का। ओवैसी साहब भी जो चुनाव लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जो है आप प्रचार करने जाएंगे? जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं, हमारा भी आदमी खड़ा रहेगा 4-5 सीट पे, हम जाएंगे वहाँ, साथ में मिलकर प्रचार करेंगे वहाँ। अच्छा, गुजरात की मेन कोई 2-3 समस्याएं पहले जो है हल करना चाहेंगे शासन में आने के तुरंत बाद? वो हमारा बजट खा जाते हैं, वो बजट भी हम लेंगे, योजनाएं जो सब बनाई है वो हमारे तक पहुंचती नहीं है, पानी की समस्या है और बिजली की समस्या है, वो किसानों की समस्या है, वो हम हल करेंगे। आदिवासी क्षेत्रों की जमीनों को लोग औने पौने में जो है हड़प रहे हैं, उद्योगपति लोग जो है सरकार की मिली भगत से जो है आदिवासियों के जो अधिकार हैं 5वीं अनुसूची में उनको जो है बहाल करने के लिए आप पहले त्वरित तौर पे क्या करेंगे? बिल्कुल पहले ही उसको मुद्दा उठाएंगे, हमारे एरिया में जो हमारी जमीन छीनी जाती है वो हम वापस लेंगे, वही मुद्दा रहेगा। अच्छा, अभी आप गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अलावा और कहाँ कहाँ जो है आपकी संभावनाएं हैं कि आदिवासी क्षेत्र जहाँ आप प्रचार प्रसार करके अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे? पूरे देश में जाएंगे, हमारा जहाँ जहाँ राज्य है, हमारी आबादी है, वहाँ जाकर हम बताएंगे, तो जुड़ो, एक साथ आओ और जहाँ जहाँ हमारी समस्या है उसको हल करो, वही करेंगे हम साथ में मिलकर। अच्छा, आदिवासी नेता होने के नाते आप आदिवासी समाज के लिए कोई एक संदेश देना चाहें तो वो आप बताएं। आदिवासी लोग जो है हमारे पूरे देश में जहाँ भी हो वहाँ बीजेपी कांग्रेस को वोट मत दो, अपना राज बनाओ, ऐसा संदेश मेरी ओर से है।